वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है, न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में नहीं है, टॉपिक नहीं है, मेंस और नीट में इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। तो थ्योरी एक बार सुन लेते हैं दो मिनट में, इसका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताता हूँ। मैग्नेटोमीटर वाइब्रेशन क्या करता है, दो काम करता है। ये कोई भी बार मैग्नेट जो होती हैं उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कंपेयर करता है। तो मान लो एक बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट M1 है, A का M2 है, तो रेशियो कंपेयर करेगा M1:M2। और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड कंपेयर करता है, जैसे एक लोकेशन पर अर्थ का फील्ड H1 है और दूसरी लोकेशन पे H2 है, तो कंपेयर करेगा H1:H2। तो ये कैसे करता है, इसका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। ये ग्लास का कैबिन है, कुछ नहीं है इसमें, कोई पेटस कुछ नहीं, एक धागा लिया, मैग्नेट को नीचे रख दिया, बस मैग्नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ अलाइन हो गई, हल्का सा हिलाया, जब हिलाया तो वापस लाइन हो जाएगी एच के साथ, तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो एक बार मैग्नेट इज लाइंग इन अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड में पड़ी हुई है, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, MB sin θ हमने किया था। तो ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करती है, रिस्टोरिंग के लिए साइन माइनस, माइनस MB sin θ की जगह माइनस MH sin θ, और रोटेशनल मोशन से टॉर्क क्या होता था, I times alpha, वेयर I वॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगल स्मॉल है तो sin θ कैन बी रिटन एज थीटा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो अल्फा और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव साइन, तो ये SHM में है, और अगर ये SHM में है तो अल्फा इज इक्वल टू -ω²θ, SHM की इक्वेशन है, एंगुलर SHM। ये दोनों कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √MH/I, और ओमेगा होता क्या है, 2π/T, तो टी की वैल्यू आएगी 2π/I / कितना, MH। तो आपने ये थ्योरी कुछ नहीं करनी, बस आपने ये फॉर्मूला मार्क करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/MH। याद हो गया, आपका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस पे आएगा, वो कहेगा सपोज करो आप मैग्नेटिक मोमेंट्स M1 M2 को कंपेयर करें दो मैग्नेट्स के, दो मैग्नेट्स का M1 M2 कंपेयर करें। तो इसके लिए दो केस हैं, आप दो मैग्नेट जब लेके आते हैं या तो वो इक्वल साइज की होगी या वो इक्वल साइज की नहीं होगी, अनइक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। अगर वो इक्वल साइज की मैग्नेट्स हैं फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने इक्वल साइज में क्या होता है, मोमेंट इनर्शिया दोनों मैग्नेट्स का क्या रहेगा, सेम साइज सेम है तो मोमेंट इनर्शिया भी सेम है। तो आपने पहले उसको मीटर में रखना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, T1 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है M1, फिर दूसरे मैग्नेट को लेना है M2 T2, डिवाइड करना है, स्क्वेयरिंग करना है, आंसर डन। तो क्लियर है यहाँ तक, अगर मैग्नेट इक्वल साइज की है तो टाइम पीरियड की हेल्प से M1 M2 कैन बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपको गिवन होगा, आपको वो कभी नहीं नाम लेगा कि यूजिंग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, क्योंकि अगर आपने उस क्वेश्चन पूछने वाले ने नाम ले दिया आपको टॉपिक पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, वो कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा कि मान लो एक बार मैग्नेट अर्थ के फील्ड में पड़ी हुई है और टाइम पीरियड उसका 2 सेकेंड है। अब जब बार मैग्नेट और टाइम पीरियड का रिलेशन आएगा तो बस फॉर्मूला ही एक यूज होगा, और फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, टाइम पीरियड का और बार मैग्नेट का यही टॉपिक है और कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर टर्म यूज करेगा नहीं वो कभी भी, ठीक है यहाँ तक। अगर मान लो मैग्नेट जो है वो अनइक्वल साइज की हुई, तो अगर वो अनइक्वल साइज की हुई तो दोनों मैग्नेट्स को लो, दोनों को इकट्ठा नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ मिला दो। ऐसा करने से डायपोल मोमेंट दोनों का M1 M2 और मोमेंट इनर्शिया I1 + I2। फिर दूसरे केस में एक सीधा रखो मैग्नेट, एक उल्टा रखो, ऐसा करने में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M1 - M2, लेकिन मोमेंट इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी तो फिर भी क्या रहेगा, I1 + I2। तो दोनों मैग्नेट जब ऊपर थी तो टाइम पीरियड में M1 + M2, I तो दोनों का सेम है, और दूसरे केस में M1 - M2, तो T1 T2 आ गया। इन्हें डिवाइड करें, स्क्वेयरिंग करें, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लो, तो यहां से ही आंसर आएगा। इतना नहीं करना चाहते, फॉर्मूला याद कर लें, M1 M2 का फॉर्मूला याद कर लें, बात ही खत्म है। क्लियर है यहां तक? तो अगर इक्वल साइज की मैग्नेट होगी और M1 M2 कंपेयर करना है तो ये फॉर्मूला, अनइक्वल साइज होगी तो ये फॉर्मूला, डन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको इसमें, डन हो गया। लास्ट, अगर मेरे को अर्थ की दो अलग अलग लोकेशंस का एच कंपेयर करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर करना है, तो आप एक मैग्नेट लें, एक मैग्नेट को उस प्लेटस में डालें, मान लो अर्थ का फील्ड वहां पर एच है, टाइम पीरियड टी है, फिर किसी और लोकेशन पे ले जाएं,
किसी और लोकेशन पे एच चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, इन्हें डिवाइड कर लें आंसर, तो अर्थ का फील्ड कैन बी कंपेयर्ड, तो अर्थ का फील्ड ऐसे कंपेयर हो जाएगा।